गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 3 द पार्लियामेंट गवर्नमेंट व्हाई एंड हाउ। दिस इज टॉपिक ऑफ सिविक्स चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट क्यों किया, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिफोर 1947 से पहले कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल मींस ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से जब हम फ्री हुए, यानी हमको फ्रीडम मिली, तो इंडिया ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कौन सा फॉर्म अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाउ एंड वाई, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वाई डिस्कस करेंगे कि इसको अडॉप्ट इंडियन लीडर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इसको अडॉप्ट क्यों किया। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी कि फ्रीडम से पहले जब 1919 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इनैक्ट किया था, लगाया था, शुरू किया था, उसको हमारे यहाँ के लीडर्स ने अच्छी तरह से देखा था। यानी कि वो क्या थे, वो इससे एक्विंटेड थे, यानी कि भली भांति परिचित थे, और इसी वजह से उनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा था कि एक सिस्टम के साथ काम को किस तरह से किया जाना है। तो इसी वजह से उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया। फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन सेट अप इन इंडिया 1919-1935। द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक और इसका एक बड़ा कारण था कि जो मुख्य इसके सिद्धांत क्या है, जॉइंट मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है न तो वो प्रेसिडेंट की होती है, न ही प्राइम मिनिस्टर की होती है, बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जॉइंटली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस वजह से उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे द क्वेश्चन आर, जो फोर्थ पॉइंट है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि अभी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और स्टेट में कहीं कहीं गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की, यानी जिस जहाँ पे जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है। तो जैसे अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं एमपी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो इनके जो सेशन होते हैं ना, संसद के सत्र जिसको हम बोलते हैं सेशन, उसमें मीटिंग्स में जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम एमपी में, तो अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, क्वेश्चन आर, इसका एक सेटलमेंट करने का तरीका बहुत क्या है, क्वेश्चन आर, कि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे उस पब्लिक मैटर्स, यानी पब्लिक मैटर्स जो होते हैं उसके लिए कोई भी क्वेश्चंस उनसे पुट कर सकती है, यानी कि पूछ सकती है कि ये आपने इस मैटर में क्या और कैसे किया, और अगर गवर्नमेंट उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाती है तो अपोजिशन क्या कर सकता है, मूव आउट। तो वो क्या कर सकता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दे सकता है, यानी कि हम इस सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो सरकार लोगों के लिए चुनी जाती है वो उनके लिए भी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और उस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, और उस गवर्नमेंट को हटा के न्यू गवर्नमेंट सरकार बनाई जाती है। फिर उसमें जो मेजोरिटी होती है वो वापस सरकार बनाता है। जैसे कि एमपी में पहले कांग्रेस थी और उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, और यही अभी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस अभी राजस्थान में भी चल रहे हैं। तो ये है कि कोई
पर्टिकुलर मिनिस्टर्स या जो पावर में है वो अपने डिसीजन सेल्फ खुद ना ले ले, इस वजह से क्वेश्चन आर एंड नोन कॉन्फिडेंस मोशन भी लगाया जाता है ताकि क्या हो सके, सरकार अच्छे से रन कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमने किसमें पढ़ी कि वाई अडॉप्टेड, यानी कि गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे, सॉरी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इन वजह से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी। उनका जो मेन अचीवमेंट था वो ये था कि लंबे संघर्ष के बाद, यानी आज़ादी कितने सालों के बाद मिली, पहले मुगल्स थे उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, तो उनको हमको फ्रीडम कितने टाइम के बाद मान सकते हैं कि 200 और 250, लगभग 200 से 250 साल के बाद हम फ्री हुए। तो उनका ये मानना था कि जब इतने लंबे समय के बाद हमें आज़ादी मिली है तो हमारी जो सरकार बने वो ऐसी बने ताकि कोई भी दूसरा वापस आके इंटरफेयर ना कर सके। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर मोस्टली हीरोज ऑफ द नेशन हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज रिमार्केबल इन द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे वो वास्तव में कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे, और वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने पहले सारी कंडीशन सारी सिचुएशन देखी थी और उसका अवलोकन भी किया था। द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एंड इंस्पिरेशन ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ इंडियाज वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन, वास्तव में क्या था, क्योंकि अपने यहाँ पे डिफरेंट बहुत अलग अलग धर्म और जाति के लोग भी रहते थे और सबकी चाह क्या थी कि सभी को समानता मिले, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही इसको ऑप्ट किया। दे ऑप्टेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें पर्टिकुलर किसी भी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेसिडेंट इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी और पार्टीज हैविंग द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं और फिर लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। दिस इज द पॉइंट विच वी हैव कंप्लीटेड। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाई, क्यों चुनी गई, उसके रीजंस क्या क्या थे, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं उसके रीजन में। उन्होंने प्रेरणा ली थी ब्रिटिशर्स की जो आइडियाज़ थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उनसे उन्होंने प्रेरणा लेके ये फॉर्म को लिया था। इसके अलावा वो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेटअप किए थे और क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे थे तो उनसे भी हमारे लीडर्स ने प्रेरणा ली थी। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल, इसमें किसी भी एक जैसे होता है किंग रूल होता है तो उसमें सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किंग की होती है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दायित्व है वो किस जिम्मेदारी किसकी होती है, दोनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और इनको रोकने के लिए, इनको देखने के लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन आर। देर आर सेवरल मैथड बाय विच द पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन आर, और अगर वो उसमें जवाब देने में फेल हो जाते हैं तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो ला सकते हैं और उस गवर्नमेंट की जगह दूसरी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द रीजन वाई दे अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू।